कौन है निकालने हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत, तो आज है सैटरडे, सैटरडे के ब्लॉग की शुरुआत शाम को कर रही हूँ। साड़ी पहन के ब्लॉग, बहुत लोग कहेंगे कि आप ब्लॉग शूट करने के लिए साड़ी पहन, नहीं तो मैं गई थी कीर्तन में, बगल में ही कीर्तन थे, तो नवमी ये नवरात्रि में ना घर वालों में कीर्तन होते हैं, तो वहीं गई थी, तो मैंने कहा साड़ी पहन जाए, तो इसी में फिर आके हमने ये जो साल भर का स्टॉक किया जाता है ड्रम में हमको धोना पोछना, ये वाला कार्यक्रम आधा हमने निकाल दिया, तो दूसरा दिन हम इसको पंप से धोएंगे, उसका भी ब्लॉग है। तो ये 12-12 घंटे की ब्लॉग आपके साथ शेयर हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। जो एक गाँव की जर्नी है, रियल लाइफ की जो जर्नी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रम में थोड़ा बहुत वो है तो उनको निकाल लेंगे, तो कुछ लोगों को लगता है हम कुछ काम नहीं करते हैं, बैठ रहे निकल रहे हैं, बैठ बैठ के खा रहे हैं, तो काम घर का बहुत होता है लेकिन दिखता किसी को नहीं है, ठीक है। और जिसके छोटे बच्चे हैं उनके तो डबल वो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, और तो ना वॉइस ओवर थोड़ा सा कर रही हूँ, तो उसको कुछ दम में चटकारी गेहूं के लगाए मैंने, वो नीचे जाएंगे ना जाता है, ले जाओ दो चार बाल्टी पानी डाल दो उसमें। वहां नहीं जाएगी निकाल।
तो ये वाला ब्लॉग जो है ये आज संडे की सुबह का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कल हमने शाम को निकाल लिए थे और जो कमरा साफ करना था वो कर लिया था। थोड़ा सा मेरा काम था, मेरी तबीयत थोड़ा सी दर्द होती तो हम मम्मी कहते हैं इनका अलग लग के कर लेंगे और पंपों से जल्दी हो जाता है। तो ये मतलब 10-12 साल के पहले के ड्रम है जो अभी तक चल रहे हैं। अब इसमें पुताई करनी है और पुताई भी मतलब जो पेंट बारिश होता है ना वो जब लाएंगे तब उसके हिसाब से होगा। अगर बारिश कर लो तो साल भर तक चल जाता है, अच्छा रहता है। हो गया हो गया हो गया पैर 3 मिनट हो गए। फोर मिनट कंप्लीट धोई दे रख देता हूँ पागल हो रही वाला। अरे मेरे पर कहाँ है, देख लो मुझे 20 रुपए मिलेंगे, छोड़ भी बनाना ना खड़े में 30 रुपए मिलेंगे। मारूंगी क्या, इतने डॉलर नहीं बदले तो तू मार लेता। शॉट बना दिया ना तो मैं तो यही बना रही। तो घर में काम वाम करने के बाद हम चले गए थे घर का सभी सामान। तो यहाँ पे सामान वामान लेने के बाद मैं हम लोग जा रहे मार्केट से घर को और थोड़ा सा आगे निकल गए थे क्योंकि पापा शेविंग करा रहे थे और मैंने सामान लिया क्योंकि जल्दी हो रही थी। 11 बज गया था सुबह, नाश्ता में बच्चों ने सिर्फ पास्ता खाया हुआ था, पास्ता क्या मतलब मैगी खाई हुई थी। और ये गाँव का हमारे जो उत्तराखंड का देखिए पक चुके हैं, करने की गुड़ाई चल रही, कोई गेहूं अपने हाथ से काट रहा है, कोई मजदूर लगा के काट रहा है, कोई अल्टे पल्टे में काट रहा है। इस तरह यहाँ की खेती चलते रहती है। गेहूं मतलब इस समय जब लेने का टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा अगर वो लोड चल जाता है तो यहाँ पे गन्ने की जो खेती है ना वो साल भर के लिए होती है, लेकिन 6 महीने साल भर के लिए होती है। तो काफ़ी उनको जो लोग काश्तकार लोग लगाते हैं, हमारे तो है नहीं, जो काश्तकार लोग लगाते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे ये दूसरी साइड से मैं नहीं थी, मैं गाड़ी चला रही थी तो मैंने कनिष्क को बोला था कि आप थोड़ा सा शूट कर लो और बच्चा ना करने के लिए मना ही नहीं रहा। दादा दीदी सुबह देखे बच्चे लोग आज वीडियो शूट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? कुछ आफ्टरनून 12-1 बजे हो रहा है। तो ब्लॉग मेरा करना शुरू हुआ था, मैंने अभी बात नहीं करी थी, शाम को भी नहीं करी। और आज है नेक्स्ट डे यानी कि आज संडे, सैटरडे का मेरा ब्लॉग शुरुआत हो गया। और
मौसम आज इस तरह हो रही हवा चल रही है, मतलब ऐसे की बारिश आ सकती है। और अभी खाना पीना हो चुका है, थोड़ा सा मंगी थी मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो घर का सामान लाना था वो लग गया है जरूरी जरूरी, वो भी यहाँ पे आपको के साथ शेयर किया है, कैसा लगा बताना। और कपड़े धोए थे, सपोर्ट किए थे तुमको, तो यही है। तो अभी 1 बजे से भागी के जाना कीर्तन में, और देखते हैं क्या मौसम के हाल समाचार रहते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं। ऐसे ही रहेगा तो बच्चों को छोड़ के जाना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हुआ तो भी घर में बैठ के हमारे पास और भी काम है, शॉर्ट बना देंगे कुछ, है ना। तो आते ना जब हम जोर से आए थे ना तो बहुत मतलब बहुत चला था, हवा चल रही थी, गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी। अब मैं काफी दिन बाद गई, बच्चे जब होते ना, बच्चे जब स्कूल जाते थे अपनी गाड़ी में तो डेली 1 या 2-3 दिन वैसे चले जाते थे घूमने। अगर कुछ खाने का मन हुआ बच्चों को तो खिला लिया, नहीं हुआ तो फिर घूमने चले गए या कोई सामान लेने के लिए चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि डेली आपके साथ कनेक्ट रहे, डेली आप लोगों के साथ जुड़े रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे जैसे होता है आप लोगों के साथ अपडेट दी जाती है तो ये वाला ब्लॉग भी जाएगा शायद से मेरा, कल जाएगा। कल क्या है, सोमवार के दिन, क्योंकि अभी मेरे पास फ्राइडे वाला, फ्राइडे का ब्लॉग अभी रखा हुआ है। कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं ना जब डॉलर ऑन नहीं होते हैं, तो फिर कभी तुरंत जाते हैं, कभी कुछ इशू आता है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा ऐड करना पड़ता है। तो कल वाले में तो ऑन हो चुका है, लेकिन आज वाले में इसको एडिटिंग करके अभी मैं डाल दूंगी। तो छोटा सा ब्लॉग है, और ये गेहूं हमने धो के रखे हैं वो भी आपको मैंने दिखाया था। तो इतने अभी ये हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, देखते हैं इसका आटा कैसा, क्योंकि ये ना इसमें घुन लग गया था नीचे नीचे के हैं। और वो दो ड्रम भी धो के रखे हैं, देखो हवा बहुत तेज चल रही है, देखो ये ड्रम से अच्छा हो चुका है। पापा लाए हैं पेंट, इसमें पेंट करेंगे, क्योंकि हर साल साल हम इसमें पेंट करते थे। टीन का यही होता है कि पेंट पुताई करो, लंबे समय तक जाता है। जब हमारे ना पहले यहाँ पे मकान ही था तो यहाँ पे बांस वाले बनाए थे दीदी के टाइम, शादी के टाइम, दीदी की शादी के लिए। हाँ ऐसे 2000 में था, मतलब जब स्टार्टिंग का था तो तब ना यहाँ पे झोपड़ी थी उसमें बांस, चारों साइड से बांस था, पापा ने उसमें ऊपर से टीन का डाला था। तो काफी 10-11-12 साल थे ये चला, जहाँ पे अभी गोट है वाला गोट है। तो यही होता है, टीन वाला पुताई पेंट कर दो तो जो लंबा समय तक चलता है। अभी एक और ये वाला कोने दो का है, 1.5 का है ऐसे, वो शायद 2.5 का। तो अभी तो मैंने कम गेहूँ का लेके रखा है, अगर कम पड़ेंगे तो फिर कहेंगे, क्योंकि ना जैसे जैसे बजट होते जा रहा हिल तो जा रहा है। ये है अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में किताबें भी लो, बच्चों के सारा सेटअप दो, इसमें बहुत लग जाता है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, मतलब 2 महीने का भी होता ना तो बजट अपने आप लाइन में आ जाता, लेकिन सब काम साथ ही होते हैं। यहाँ इनका नया सत्र शुरू हो जाता है, बच्चों की नई क्लास स्टार्ट हो जाती है, प्रमोशन होता है, आगे क्लास में नया सीजन शुरू होगा और हवा चल रही थी तो नया सीजन शुरू होगा ना, फिर उसी टाइम पे गेहूँ है। और आपको एक बार बताए, जब दिसंबर जनवरी में 1 महीने का ऐसा ठंडा पड़ा था ना, तब उसमें आपने देखा होगा मैंने सदर बाजार वाला ब्लॉग शेयर किया हुआ है, जो आप दुकान के लिए आइटम कहाँ से ले सकते हैं। तो हम उतने ठंडे में वहां से गए, तो एक ब्लॉगर की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, दुनिया पता नहीं क्या क्या सोचती है, कहने वाले कहते ही रहते हैं लेकिन मुंह पर नहीं कहते, है ना। तो हमें क्या करना है, अपना काम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, हमारे लिए वही बड़ी बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आएगा एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आते सब्सक्राइब करें। और इतनी देखो पसंद बाहर आई तो आम बीच में, और इस बार हमारे यहाँ आम भी नहीं है, फूल ही नहीं आया ना आम में ना कटहल में, इस बार जो होगा सारा मतलब लोट चल रहा है। चलो फिर बाय बाय।